कैप स्टॉक्स कमजोरी की तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से एक है भारत फोर्ज, 5% नीचे है। हेक्साबेर 5% नीचे, स्ट्राइड सार्कोलिप 4% नीचे, इवन टाटा केमिकल में 4% का नुकसान है। भारत फोर्ज पर राय लूंगा आपसे, किरण क्या कह रहे हैं चार्ट्स इसके, दिन के लोस के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। अनिल जी, हालांकि ये दिन के लोज के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है, पर मेरे टेक्निकली एक अच्छे सपोर्ट के नज़दीक है, तो इन लेवल्स पे बिकवाली करने की सलाह नहीं होगी। पिछला भी बॉटम इसके नज़दीक था और इसका अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है जो है 1060, तो 1060 के जब तक ऊपर है तब तक डरने की कोई बात नहीं है, हमें वापस एक बार बाउंस देखने को मिल जाना चाहिए। एक रेंज में है करीबन 1050 से लेके 1260-1270, ये रेंज है, इस रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर चार्ट भी देखते हैं तो हमने देखा है करीबन फरवरी महीने से है ये स्टॉक ये रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो एक अच्छी बात है क्योंकि इसके पहले इसने करीबन 200-250 रुपए से लेकर 1350 तक एक सीधी मूव दी थी, उसके बाद एक टाइम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक हमें देखने को मिल जा रहा है। चलिए साथ